24 से जहाज पे तशरीफ ले जाए, परवाज ब्रांकी के लिए तैयार है, शुक्रिया। थोड़ी टेंशन है यार, असल में मेरा फाइजर वैक्सीन का जो सेकंड डोज है ना, वो सिर्फ 5 दिन पहले लगा था, और रिक्वायरमेंट ये अमेरिका में घुसने की कि वो 10 दिन पहले लगा हुआ हो। मगर सुना है कि दोहा इस मामले में थोड़ा रिलैक्स्ड है, टर्न्स आउट वाकई रिलैक्स्ड है। खैर ऐसा नहीं है कि मैं वैक्सीनेशन में बिलीव नहीं करता, मैं तो स्पुतनिक वैक्सीन से भी फुली वैक्सीनेटेड हूँ। रूसी वैक्सीन है तो अमेरिका उसको एक्सेप्ट नहीं करता असल में, और क्यों करे, रूस तो ओलंपिक्स में भी चीटिंग करता पकड़ा गया था। या शायद ये समझते हैं कि रूसी वैक्सीन भी कम्युनिस्ट है। खैर अब हम इन बातों में नहीं घुसेंगे, क्योंकि हम पहुंच गए अमेरिका, लैंड ऑफ द फ्री, होम ऑफ द ब्रेव, जहाँ पे हमारी बीवी पिछले 2 हफ्तों से मौजूद है। एक और चीज भी यहाँ पे मेरा इंतजार कर रही है, फोर्ड मस्टैंग कन्वर्टिबल। इंजन की आवाज नहीं, सब कह दिया, बस सब कुछ टिप टॉप शेप में होना चाहिए, सुबह बीवी को अच्छी इंप्रेशन मारनी है। एवरीथिंग्स गुड, गुड नाइट। फिलाडेल्फिया के आसपास एक हॉर्शम नाम का इलाका है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। ये एयरबीएनबी भी एक्वायर कर लिया है, गाड़ी भी एक्वायर हो गई है, तो आप शुक्र लगाया जा सकता है। शुरू में मुझे लग रहा नहीं था कि हम पहुँच पाएंगे यहाँ पे। बात बताओ, ये इतना हाई फाई इंजन, स्लीक डिज़ाइन, बड़ा ब्रांड, महंगी गाड़ी, ये सब बना ली इन्होंने, तो ये पीछे का दरवाज़ा नहीं बना सकते थे? उस तरह की गाड़ी नहीं है ना यार ये। क्या मतलब इस तरह की गाड़ी नहीं है? It's very uncomfortable to sit in the back, ना? In the front it's comfortable. Yeah, but it's a two-seater. Why do they have two seats in the back if it's a two-seater? वो तो वैसे ही शुगल के लिए रखी हुई है हमने। शुगल के लिए क्या मतलब? कुर्सियाँ दी हुई हैं शुगल के लिए और दरवाजे नहीं दिए हुए। It's a Mustang. So what? What are you saying? It's a functionality. John, this car is not about functionality. It's an American car. It's about power. 2.3 liter का turbo engine है, 18 inch के alloy wheel लगे हुए हैं, हर चीज का अपना sport mode है इसका। सुन रही हो? गाड़ी का सही मजा लेने के लिए मैंने इसका mode अभी sports plus में डाल दिया है, और इसका steering wheel भी sports plus में डाल दिया है, और गियर शिफ्टिंग भी। गाड़ी में तुम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रही। कोई नहीं, इधर और भी बड़ी चीज़ें देखने को। चलते हैं ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशरी की तरफ। ये कदीम ज़माने का कैद खाना आई एम श्योर आपकी ब्रूडिंग पर्सनालिटी को सूट करेगा। इस जगह को बेब डिज़ाइन ही ऐसे किया गया कि यहाँ पे रहने वाले मुजरमों के दिल में तौबा पैदा हो। 30 फुट जमीन के ऊपर और 10 फुट जमीन के अंदर हैं ये दीवारें। ईस्टर्न स्टेट को ऐसे बनाया गया कि ये इलाके पे गलबा कायम रखे, कि इसकी एक टावरिंग प्रेजेंस हो, कि सारे शहर के मुजरिम इधर बंद होने से डर रहे हैं। इस पेनिटेंशरी के बनने से पहले मुजरिमों को अपने सजा के इंतजार में जेलों में रखा जाता था। हर किस्म का पापी, मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, चोर, कातिल इकट्ठे ही एक जेल में छोड़ दिए जाते थे। और ये जेल सजा देने के मकसद से नहीं बनाए गए थे, ये तो बस सजा के फैसले के इंतज़ार में एक आरजी अड्डा था इनके लिए। और 17वीं सदी में तब सजा में कौड़े, छड़ियाँ, फांसी तक दी जा सकती थी। खैर 18वीं सदी में जाकर एक रोशन ख्याल महकमे ने उन जेलों की सूरत हाल को देख कर एक पेनिटेंशरी हवालात का तसव्वुर किया। इम्प्रेस हुई ना? कोई नहीं, अभी और भी बड़ी भयानक चीज़ें बाकी हैं। ये तस्वीर दिखाती है वो मॉडल जो 1830 में इस कॉरिडोर का था। हर कैदी का अपना कमरा था, 8x12 का, एक बिस्तर, वर्क बेंच और एक लोहे की बैतुलखला जो रोज़ाना एक दफ़ा फ्लश की जाती थी। नोट करना कि सेंट्रल कॉरिडोर से कमरे का कोई दरवाज़ा नहीं है। इस दरवाजे का इजाफा 1850 में हुआ। उसे पहले एक छोटी सी खिड़की होती थी जिससे कैदियों को खाना पहुंचाया जाता था, मतलब बाहर निकलने का सिर्फ एक ही जरिया था, और वो एक्सरसाइज सहन के पार। आर्किटेक्ट ने हवालात को ऐसे डिजाइन किया कि सब कैदियों को मुकम्मल तन्हाई में छोड़ दिया जाए। कैदियों का अपने हमसायों से भी राबता ना था। There was absolute silence. Eastern State का रूल।
माहौल सिर्फ अलहदगी और तनहाई ना था मगर खामोशी भी था, और खामोशी को तोड़ने की भी सजा थी। 27 जनवरी 1835 पर 6 कैदी पकड़े गए पानी के पाइप्स के जरिए बातें करते हुए। कैदियों को स्ट्रेट जैकेट में बांध के कैद कर दिया गया। नक्शे में आर्किटेक्ट ने तसव्वुर किया कि हवालात एक पहिए की तीलियों की तरह बिछे होंगे ताकि इसके मरकजी नुक्ते से किसी भी वक्त सातों के साथ ब्लॉक्स देखे जा सके। आगे तो जा रहा है। रुक, रुक। मगर ओरिजिनल नक्शे में सिर्फ 256 कैदी रखे जा सकते थे और हुकूमत इन कैदियों में इजाफा चाहती थी, तो फिर सेल ब्लॉक 5, 6 और 7 को 2 मंजिल का बनाया। ये जॉन हैविलैंड की बिल्डिंग अमेरिका की पहली जदीद इमारत थी, मगर क्या यह मुजरिमों को सुधारने में कामयाब रही? ईस्टर्न स्टेट पे आम मुजरिम की सजा 2 साल की थी और कम ही थे जो 8 साल से ज्यादा के थे। उस जमाने में लाइफ सेंटेंस था ही नहीं और सजाए मौत वाले मुजरिम कहीं और भेजे जाते थे। ये कमरा जॉन क्यूरिन का था, 22 साल का गोरा माली। 1829 में इसको मुजरिम करार दिया, जुर्म हमसाये का घोड़ा चुराना, 2 साल की सजा और 6 सेंट जुर्माना। लाते वक्त इसकी आंखों पे पट्टी बांधा और सर पे हुड ताकि इसको लेआउट ना समझ आए पेनिटेंशरी का। यहाँ अपने 2 सालों में जॉन क्यूरिन ने शायद ही किसी और कैदी से कभी मुलाकात की हो। क्यूरिन दिन के 23 घंटे अपने सेल में गुजारता था। दिन में 3 दफ़ा वो यहाँ पे खाता था, काम भी इधर ही करता था, जूते बनाता था और सोता भी इधर ही था। ग्वांटानामो बे में जैसे मुसलमान कैदियों को सिर्फ 1 किताब कुरान रखने की इजाज़त थी, उस तरह क्यूरिन को भी सिर्फ बाइबल रखने की इजाजत थी। क्यूरिन तो पढ़ा लिखा था लेकिन ज्यादातर कैदी जाहिल थे। उनको कोई खत नहीं आते थे, कोई मेहमान नहीं मिलने आता था, कोई अखबार नहीं दिया जाता था। इट वॉज ट्रू आइसोलेशन। और फिर भी अगर बोलते तो होल में बंद किया जाता था। मुस्तजनी के भी सख्त खिलाफ थे यहाँ के गार्ड्स और कैदियों को इस तन्हा गुनाह से रोकने की कोशिश करते थे। गटर में से भागने के कुछ रास्ते तो थे, मगर उमूमन कैदी इससे ज्यादा आसान तरीके अपनाते थे भागने के। मतलब आप कमोट में से सर गुजारने की कोशिश करो ना जरा। क्या इस तजर्बे की वजह से कैदियों ने तौबा करी और क्या ये बेहतर शहरी बने? पूरी कहानी जानने के लिए नीचे हैशटैग कैदी कहानी कमेंट कीजिए और 1500 कमेंट्स आने पे ये स्टोरी इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी जाएगी। अभी लाइट मूड रखने के लिए हम आपको ये बताएंगे कि 1960 तक ये बिल्डिंग बंद कर दी गई। 1960 तेरी खैर। अरे रिचार्जेबल था ये? क्या USB-C रिचार्जेबल है? ये एंड्रॉइड USB चार्जेबल है, ये हो जाता है। माइक्रो USB चार्जेबल है, एंड्रॉइड कुछ नहीं होता। आई थिंक वक्त आ गया कि इस मस्टैंग को थोड़ा टेस्ट किया जाए। ये एक मुझे बड़ी बेवकूफी लगती है इस गाड़ी की कि यहाँ पे अगर तुम कब रखो तो ये गियर चेंज करते हुए कब रास्ते में। शुरू से गाड़ी चलानी है आती, ऑटोमेटिक हो या मैनुअल पुरानी, नप दी मैंने, हाँ जी छिक दी मैंने, देखो नसदी कैसे पटदी, छिक दी शुक्र है रब दा। लाल रंग की रेंज रोवर ये खूबसूरती दीदार करा रही है। ग्रीन रंग की पोर्श मकान कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई नहीं। मित्सुबिशी
इक्लिप्स का क्रॉस एडिशन है। जीप। अगर डॉज चैलेंजर अवेलेबल होती ना तो शायद मस्टैंग की जगह डॉज चैलेंजर ली जाती। थोड़े रगड़े खा चुकी है ये वाली। मुझे आप बस किसी पार्किंग लॉट में छोड़ दें, मैं एंटरटेन्ड हूँ। मतलब एक्यूरा की आईएलएक्स, जीएमसी की टेरेन, ओ शेवी का सिल्वराडो। यार मेरा वीगो इसके सामने पिद्दा लगता है। कोई नहीं, छोटी चीज़ों का भी अपना ही मज़ा है। दुनिया को एक और नुक्ते नज़र से देखना। गाड़ी से उतर के ज़रा साइकिल से तो देखो, साइकिल से उतर के ज़रा पैदल तो चखो। साइकिल फॉर 2 hours, देन ईट पिज़्ज़ा फॉर 5 minutes। $25 का तकरीबन 6 liter आया है। 6 liter नहीं है, 6 gallon है। और अगर आपको पाकिस्तान में अच्छा एक्सचेंज रेट मिले तो पाकिस्तान में भी हाई ऑक्टेन इतने का ही मिलता है। तो हाई ऑक्टेन फ्यूल। और थोड़ा सा फ्यूल गाड़ी के लिए तो थोड़ा सा फ्यूल पेट के लिए भी। क्रिस्पी क्रीम खाया कभी? फ्रेश ऑफ द कन्वेयर बेल्ट ओरिजिनल ग्लेज्ड, बेस्ट होते हैं। गरम की और बात है। 190 कैलोरीज। ओह माय गॉड। वैसे ये डिनर में 10 क्रिस्पी क्रीम खाना एक अच्छा आइडिया तो नहीं था। आगे इस नाश्ते में कुछ अच्छा, कुछ हेल्थी खा लेंगे। जो लोग सोच रहे हैं कि ये बेकन है, ये टर्की बेकन है। आप देख सकते हैं कि बीवी ने बनाया। तो हलाल ही होगा ना। अच्छा, वैसे हेल्थी नाश्ता नहीं करना था। कोई नहीं कोई नहीं, सेहत का बाद में भी देखा जा सकता है। अभी ज़रा याशी मूड ऑन है। फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट देखें ज़रा। क्या कहते हैं इसे? स्किल। उसे कहते हैं स्किल। The Europeans knew what to do. Americans, not so much. Americans की इतनी बेइज्जती। पेंटिंग का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन गाड़ियाँ मुझे इनकी बड़ी अच्छी लगती है। मगर आपका रुझान थोड़ा यूरोपियन आर्ट की तरफ लग रहा है। चलो वो भी दस्तयाब है, यहीं फिलाडेल्फिया म्यूज़ियम में। ये ज़िंदगी की नकल में बनाया गया है आर्ट, या ये ज़िंदगी आर्ट की नकल में बनाई गई है? मैं तेरे लिए बनाया गया हूँ या तू मेरे लिए बनाई गई है? जहाँ कभी एनरिके फर्नांडेस की तशरीफ बैठी थी, अब वहाँ हम बैठेंगे। ये सब मैंने तुझे दिखाया या तूने मुझे दिखाया? आई एम फॉलोइंग यू। हेलो, यहाँ के काफी फ्रेंडली लोग हैं ना? They're all, I mean, they all wave at you, they all say hi, hello, or they nod their head. फिर मैं भी अपना फ्रेंडली मोड ऑन कर लेता हूँ। यू नो इन नथिया गली एज वेल, यू नोटिस ना, गुजरते गुजरते लोग। ये वाला रोमांस भी पहले कभी किसी फिल्म में दिखाया गया है ना? किसने मछली पर? रेवेनेंट यहाँ पे नहीं शूट हुई थी। हम तो इसी तरह करते हैं। हाँ यार, ये जिंदगी का पहिया पक्का प्यार नहीं घुमाया। अब्बू होते ना यहाँ पे, खुली फिर रही, खुली। Okay. I didn't know this was a cooking channel. Channel hai ya zindagi hai? झूठे, मुझे अच्छा लगता है। झूठे, इट अटैक्स द फैट सेल्स इन योर बॉडी। नथिंग अटैक्स द फैट सेल्स इन योर बॉडी। द फैट सेल्स को स्टार वॉर्स का सागा है ना, लेजर्स मार रहे हैं फैट सेल्स के ऊपर। पतले हो, पतले हो, पतले हो, पतले हो, नहीं।
मैं बता रहा हूँ सब कुछ पूरा हो गया है। अभी वो लीजिएगा कि इस गांव पे मर इस सिचुएशन में मर जाए तो अच्छा है।